नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्टर। मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्री रत्नेश सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, यहां पर आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप बिहार में इतने दिन तक बिहार की राजनीति को आप देख रहे थे, समझ रहे थे। 2020 में अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार NDA में जो तल्खी है JDU के बीच और बीजेपी के बीच पिछले कई दिनों से चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपने CM पद का उम्मीदवार नहीं मानती, चेहरा वो नहीं देखती। तो ये जो तल्खी है लगातार बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि आगे कुछ नई बात सामने आ जाए, कोई नया चेहरा बीजेपी ले आए, या फिर जो गठबंधन है, हो सकता है ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और JDU का जो गठबंधन है वो टूट भी सकता है। तो आप जो ये राजनीति आगे बढ़ रही है, उस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं और 2020 का जो चुनाव है उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं, कैसे हैं? देखिए, अभी जो हमारे अध्यक्ष हुए हैं वो 2020 के चुनाव के लिए पूरी टीम को लेकर, पूरी टीम के लिए सक्षम है लेकर के चुनाव जिताने के लिए। क्योंकि बिहार में जहाँ तक आप नीतीश जी की बात कई बार किए हैं, हमें तो कहीं तल्खी दिखाई पड़ती नहीं है, कोई तल्खी नहीं है। 7 चुनाव लड़ेंगे ऐसा देखा जा रहा है, कोई तल्खी नहीं है। और दूसरा, चुनाव लड़ने के लिए आप कल्पना करिए ना, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, राजद के परिवार में ही सामंजस्य नहीं है, हम का कोई जनाधार नहीं है, उपेंद्र जी का आधार नहीं है। इसमें बीजेपी के लिए तो सीधा रास्ता है, कोई बिना जनाधार का संगठन है, कोई आधारविहीन संगठन है जिसके परिवार में सामंजस्य नहीं है और कांग्रेस का संगठन नहीं है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई समस्या नहीं है। और उसमें हमारा अध्यक्ष, हमारे प्रदेश की टीम, प्रदेश के नेता, जहाँ हमारे नागेंद्र जी जैसे कुशल संगठनकर्ता हमारे संगठन महामंत्री हैं, डिप्टी CM जैसे नेता हमारे सुशील कुमार मोदी जी हैं, और प्रदेश ने जो सरस और सरल व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, सारे टीमों के साथ 2020 का चुनाव कोई कठिन नहीं है। क्योंकि हमारा संगठन नीचे बूथ तक चल रहा है, मैं भी एक जिले का चुनाव प्रभारी हूँ, बूथ तक हमारा संगठन खड़ा हो रहा है। इस तरह के सारे संगठन, सारे नेता संगठन में लगे हैं, हमारे लिए 2020 कोई कठिन नहीं है। और जहाँ तक नीतीश जी की बात है, ये बातें सब कल्पना है, नीतीश जी हमारे साथ रहेंगे ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप जैसा कहते हैं कि कल कुछ होगा, अब कल क्या होगा, तो हमारा नेतृत्व निर्णय लेने में सक्षम है, विचार करने में सक्षम है। क्योंकि किसी विषय पर बोलने के लिए हमारे यहाँ प्रतिबद्धता है, हमारे मीडिया प्रभारी है, प्रवक्ता है, वो सारे स्थिति को देखते रहते हैं और नेतृत्व जो निर्णय लेता है उस पर वो अपना वक्तव्य देते हैं। आज की तिथि में मुझे तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कोई तल्खी नहीं है और 2020 हमारे लिए कोई कठिन नहीं। लेकिन सवाल यही होगा मेरा कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति अगर पैदा होती है, बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो अगर टूट जाता है, तो बीजेपी की तरफ से या फिर जो एनडीए होगा उसकी तरफ से कौन ऐसा चेहरा हो सकता है, कौन आप अगर ऐसा होता है तो आप किसको CM पद के उम्मीदवार की तरह देखते हैं? अगर 2-4 अगर नामों की अगर आपसे बात अगर पूछें तो आप किसको देखते हैं CM पद? हमारे यहाँ किसी के चेहरे देखने से नहीं होता, निर्णय नेता का होता है। हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं, नाम लेने क्या ज़रूरी है, जिनका नाम ले लो, अभी तो डिप्टी CM ही हैं, सुशील जी हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन केंद्र किसका निर्णय लेता है, जिसका निर्णय केंद्र हमारा सोच के, समझ के, विचार करके लेता है, हम सब उसके पीछे खड़े रहते हैं, सारा पार्टी खड़ी रहती है, सारा कार्यकर्ता खड़ा रहता है। तो अभी तो अब कल आकाश गिर जाएगा, ये अब चर्चा करें तो क्या बात है, अभी तो नीतीश जी के साथ हमारा चल रहा है, कल जब होगा तो नेतृत्व विचार करेगा, जो नेतृत्व विचार करेगा हम लोग उसके साथ खड़े रहें। से ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय से लालू परिवार जो है चर्चाओं में रहा है, चर्चाओं में इसलिए नहीं कि अपने जो राजनीति को लेकर, चर्चाओं में इसलिए कि जो उनके बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव और उनकी जो पत्नी है ऐश्वर्या राय, दोनों के बीच काफ़ी जो लड़ाई है वो चल रही है, कोर्ट में जो केस है वो भी चल रहा है। तो पिछले कुछ समय से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और उसमें जो उनकी पत्नी है ऐश्वर्या राय, राबड़ी देवी के घर से बाहर निकल रही हैं और रोते हुए बाहर निकल रही हैं, और इस पर हमने सबकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। अगर सर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? बात ऐसी है, ये उनके पारिवारिक मामले हैं, लेकिन जहाँ तक उस परिवार की चर्चा का विषय है, वो तो हमेशा से चर्चित रहे हैं। जब वो 15 साल बिहार को बर्बाद किए उस समय भी चर्चित रहे,
पशुपालन घोटाला किए उसमें भी चर्चित रहे, आज वो जेल में है उस कांड में तो भी चर्चा है। और मैंने पहले ही कहा था, जब बिहार के चुनाव के बारे में आपने कहा था तो मैंने कहा था कांग्रेस का संगठन नहीं और राजद में पारिवारिक सामंजस्य नहीं, तो ये उनके पारिवारिक मामले हैं। अब उनके बड़े लड़के के स्वभाव जग जाहिर हैं, अब उनके बच्ची की शादी चंद्रिका राय जी ने उनके यहाँ की, लेकिन अब किसी के बहू बेटी के बारे में चर्चा करना उचित नहीं है। हमको लगता है कि उनके पारिवारिक मामले हैं, बैठ बैठ कर लोग सलट लेंगे, क्योंकि इसको मीडिया में ज़्यादा किसी के परिवार के बहू बेटी के बारे में उछालना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उनके पारिवारिक मामला है, वो लोग ठीक कर लेंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रजनेश सिंह जी, और हमने इनसे तमाम बिहार के मुद्दों को समझने की कोशिश की, 2020 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में भी समझने की कोशिश की, और ऐसे तमाम मुद्दे हमने इनसे डिस्कस कर रहे थे। और ऐसे ही आप देखते रहे स्ट्री पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472982122, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।